नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम कफ के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। मैंने एक पार्ट 1 बनाया है, आप लोग अभी तक अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं उसका नीचे लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उसको ज़रूर देख लें, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, कैसे लक्षण मिलते हैं और उसके कुछ पार्ट की होम्योपैथिक मेडिसिन बताई थी। आज हम उसके जो बचे हुए पार्ट्स थे उनके बारे में और साथ ही उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आगे आप मेरे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन पा सकें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कफ पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जो मैंने पहले के वीडियो में बताया था। कफ दोस्तों एक तरह का आपकी अपनी बॉडी की एक प्रक्रिया है, एक रिफ्लेक्स है, एक एक्शन है, जो भी कह लें आप कि जब शरीर के जो पैसेज है, जो आपका विंड पैसेज है या आपका थ्रोट है, इसमें जब कोई भी इरिटेंट, कोई माइक्रोब्स, कोई फॉरेन पार्टिकल जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है या बलगम या म्यूकस कुछ भी अगर बनने लग जाता है या भर जाता है तो हमारी बॉडी इसको शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो उसको क्लियर करने का जो एक प्रक्रिया है वो एक कफ की तरह से एक रिफ्लेक्स फॉर्म में आता है दोस्तों। उस देन हम बात किए थे कि कफ के टाइप्स कितने होते हैं, उसको मैंने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। एक कैटेगरी को मैंने उसके टाइम और ड्यूरेशन के बेसिस पे रखा था, जिसे एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक बोला था। एक्यूट अगर 3 हफ्ते के दौरान अगर आपका कफ खत्म हो जा रहा है तो वो एक्यूट होता है। सब एक्यूट होता है कि 3 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते के बीच में ही आपको कफ है लेकिन वो 8 हफ्ते होते होते आपका कफ खत्म हो गया हो तो वो सब एक्यूट कहलाता है। और क्रॉनिक कफ उसे कहेंगे दोस्तों जैसे 8 हफ्ते से आगे लगातार वो बना ही हुआ है और आपको परेशानी से घेर के ही रखे हैं तो वो क्रॉनिक कफ में आएगा दोस्तों। बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी में दोस्तों टाइप मैंने उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे दिया था कि किस तरह के कैरेक्टर के बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक ड्राई कफ था, दूसरा वेट कफ था, तीसरा क्रॉप कफ था, चौथा वूपिंग कफ था। हम पिछले वीडियो में ड्राई और वेट कफ के बारे में बात कर चुके हैं और उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन जान चुके हैं। आज हम क्रूप कफ और क्रूपिंग कफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये और वूपिंग कफ के बारे में ही बात करेंगे साथ में। दोस्तों क्रूप कफ या क्रूपिंग कफ जो होता है, क्रूपी कफ बोलते हैं एग्जैक्टली इसको, क्या होता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है दोस्तों और ये ऐसी डिजीज़ है कि जब आपके इन्फेक्शन के साथ साथ आपकी जो लैरिंग्स, ट्रैकिया या आप श्वास नली या विंड पाइप बोल रहे हैं उसमें सूजन आ जाए दोस्तों, इन्फेक्शन के वजह से सूजन आ जाए जिसकी वजह से इंसान खांसता हो तो उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाए, डिस्निया, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिस्निया बोलते हैं। जब सांस लेने में ही पेशेंट को दिक्कत होने लग जाए और वो लगातार खांस रहा हो तो उसकी आवाज़ में भी आपको एक हार्शनेस फील हो, एक कर्कश आवाज़ लगे, ऐसा लगे कि जैसे जब वो सांस ले रहा है या फिर खांस रहा है कि लकड़ी जैसे कटती ना, खर्र खर्र जैसा साउंड आता है या बार्किंग कफ भी इसको बोलेंगे। तो ऐसा कफ अगर आपको मिल रहा है, साथ में आपको खांसने में आपको यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्शन फील हो रहा है कि जैसे कुछ चोकिंग सा है, आपको सांस लेने में दिक्कत कर रहा है, अगर ऐसा टाइप का कफ है तो ये क्रूप कफ या क्रोपी कॉफिंग कहलाता है दोस्तों। ये बच्चों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है लेकिन एडल्ट भी इससे अफेक्टेड मिलते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों मैं आपको आज 3 इसकी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। सबसे फर्स्ट एकोनाइट 30। मैंने आपको ड्राई कफ के में भी एकोनाइट का जिक्र किया था दोस्तों। एकोनाइट दोस्तों शुरुआत में जब एकदम बिगनिंग में अगर आपको एकदम ड्राई कफ हो रहा है, बहुत वॉलेंट ड्राई कफ है, बहुत तीव्र है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, आप एकोनाइट ले लीजिए। शुरुआत के दौरान आप किसी भी परेशानी में एकोनाइट ले लें, आपको वो काम कर जाएगी दोस्तों। तो एकोनाइट 30 पोटेंसी में आपको 2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। अगर आपको सूखी खांसी हो रही है और अभी जल्दी ही शुरू हुई है तो आप इसको ले लें, 2-2 बूंद दिन में, शुरुआत में 4 बार ले लें, उसके बाद 2 दिन के बाद 3 बार ले लें, आपके कफ को वहीं पे रोक देगा दोस्तों। दूसरा बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी गई है कफ के लिए ड्रोसेरा 30 पोटेंसी में दोस्तों बहुत ही शानदार मेडिसिन है क्रूप कफ के लिए। एकदम ड्राई कफ हो रहा हो और सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत होने लग जाए तो ये मेडिसिन उस पर बहुत ही अच्छी काम करेगी। और पेशेंट इतना सीवियर कफिंग हो कि उसको पूरे सीने में, गले में ऐसा कंस्ट्रक्शन जैसे चोकिंग, जैसे कोई गला दबा रहा हो, ऐसी चोकिंग सेंसेशन फील हो रहा हो। साथ ही साथ इतनी सीवियर खांसी हो कि वो अपना सीना पकड़ के खांसे पेशेंट, उसको एकदम खांसते खांसते उसके सीने में दर्द होने लगे, सीने को ऐसे होल्ड करके अगर खांस रहा है तो ये दवा दोस्तों उस पर बहुत ही अच्छी काम करेगी। ड्रोसेरा की 30 पोटेंसी आप 2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों स्पॉन्जिया 30 पोटेंसी, ये भी कफ की एक टॉप ग्रेड मेडिसिन मानी जाती है दोस्तों। ये भी ड्राई बार्किंग कफ के लिए, जैसे खांस रहा हो तो जैसे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है ना, एकदम साउंड वाली, वैसी आवाज़ अगर आपको खांसी के दौरान देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि इतनी कर्कश आवाज़ है और ऐसा लग रहा है कि जब वो खांस रहा है तो लकड़ी जैसे चीरी जाती है, जैसी आवाज़ खर खर साउंड कर रही है, ऐसा करेक्टर अगर आपकी खांसी के में मिल रहा हो तो ये दवा यूज़ करें दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देने वाली है। तो दोस्तों ये 3 मेडिसिन है, इनमें से आपको जो सिम्टम्स मैच करते लग रहे हैं आप उस मेडिसिन को यूज़ करें, आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम वूपिंग कफ के बारे में। वूपिंग कफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको दोस्तों पर्टुसिस बोलते हैं, या फिर हिंदी में ले लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं इसको कुकुर खांसी बोलते हैं, काली खांसी बोलते हैं, कुत्ता खांसी बोलते हैं, लॉट ऑफ इसके नाम रखे गए हैं हिंदी साइड से। इसको दोस्तों ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। पहली बात, ये बहुत कंटेजियस होता है, किसी को भी ये फैल सकता है। अगर घर में किसी प्राणी को है तो उसको थोड़ा सा आइसोलेट करके रखें, लोगों से दूर रखें, क्योंकि ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो दूसरों में भी स्प्रेड हो जाए। क्योंकि दोस्तों जब इंसान खांसता है तो उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। खांसने के दौरान जो हमारे शरीर से ऐसे ड्रॉप्स निकलती हैं, छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, वो एयर में फैल जाती हैं और जब कोई हेल्दी और स्वस्थ इंसान इसके कांटेक्ट में आता है दोस्तों तो ये इन्फेक्शन उस हेल्दी इंसान को और स्वस्थ इंसान को लग जाता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इसके कैसे तरह के सिम्टम्स इसमें दिखेंगे दोस्तों। इसमें बहुत सीवियर खांसी आती है। शुरू ये ऐसा होता है कि जैसे नॉर्मल कोल्ड या नॉर्मल खांसी जैसे शुरू होती है वैसी ही खांसी आती है। बाद में जाके इसकी सीवियरिटी धीरे 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 इतनी सीवियर होने लगती है कि एक बार में 5 से लेकर 15 तक लगातार पेशेंट को खांसी आएगी, बहुत सीवियर खांसी आएगी। इतनी खांसी आती है कि इंसान का चेहरा बिल्कुल लाल सा पड़ जाता है या पर्पल कलर का होने लग जाता है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं दोस्तों तो ये आपको वूपिंग कफ यानी कि पर्टुसिस यानी कि काली खांसी हो सकती है दोस्तों। तो एक बार अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर चेक कराएं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनती हुई लग रही है दोस्तों तो पहले आप इसको चेक कराइए कि आपको ये वूपिंग कफ ही है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कंटेजियस होती है। आपके घर के अन्य प्राणियों को भी ये इफेक्ट कर सकती है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम इसकी मेडिसिन के बारे में बात करना। सबसे पहले दोस्तों मेफाइटिस 1x पोटेंसी में दोस्तों ये इसकी एक स्पेसिफिक टॉप ग्रेड मेडिसिन मानी गई है मेफाइटिस कि, और इसके जो करेक्टर्स मिलेंगे कि कैसे पेशेंट्स को आप ये दे सकते हैं। पेशेंट में दोस्तों खांसते इतनी सीवियर खांसी रहेगी, खांसते खांसते उसका चेहरा बिल्कुल लाल और पर्पल रंग का होने लग जाए, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिलने लगे। अगर ये सारे करेक्टर्स आपको मिल रहे हैं तो मेफाइटिस 1x कि 2-2 बूंद दिन में 3 बार लें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर ये टैबलेट फॉर्म में आपको मिल रही है तो आप इसकी, अगर बड़ी साइज की टैबलेट है तो 1 टैबलेट 3 टाइम्स इन अ डे लें, और अगर छोटी टैबलेट्स हैं तो 4-4 गोलियां दिन में 3 बार लें दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों इसके लिए बहुत सूटेबल मानी गई है कि नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों इसमें ड्रोसेरा जो मैंने अभी आपको क्रूपी कफ में बताया है वो भी बहुत अच्छी काम करती है वूपिंग कफ के दौरान भी, क्योंकि इसमें भी बहुत हार्श बार्किंग कफ देखने को मिलता है, साथ ही सांस फूलने जैसी टेंडेंसी इसमें भी मिलती है। तो ये काफ़ी सेम ऑलमोस्ट सिम्टम्स मिलते हैं और होम्योपैथिक में सिम्टम्स सिमिलैरिटी के बेसिस पे ही मेडिसिन दी जाती है। तो आप वूपिंग कफ में भी ड्रोसेरा को यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी काम करेगी दोस्तों। तो ड्रोसेरा की भी 30 पोटेंसी 2 बूंद दिन में 3 बार लें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों इसमें पर्टुसिन 200 पोटेंसी लेनी है। ये एक नोसोड ये एक नोसोड है दोस्तों। नोसोड मतलब होता है हमारे होम्योपैथिक सिस्टम में कि जब इन्फेक्टेड एरिया से ही उसमें से सब्सटेंस निकाल के उसको पोटेंटाइज करके मेडिसिन बनाया जाए। पर्टुसिस से ही बनाया गया है पर्टुसिनम, तो इसकी आपको 200 पोटेंसी लेनी है दोस्तों। शुरुआत में ही अगर आप इसकी दवा आप ये ले लेते हैं तो आपकी इस परेशानी को वहीं रोक देता है, आगे बढ़ने ही नहीं देता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस पर्टुसिनम की 200 पोटेंसी को 2 बूंद दिन में सुबह और शाम में लेनी है, और उसके बाद आपको 2 से 3 दिन लेकर ये मेडिसिन को आप बंद कर दें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।